चामंडा भी चंगलों हम क्लेम जोम जाए ज्वाला है ज्वाला 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 झोल के पेट के लो समाधक लो हम जाई थी खेया बाद में यार ये दिनो हमारा जी पूजा का दिखा मतलब पूरा महाराज जी का खाना बनता रसोई है सब्जी बन रही है और आटा गूंधा जा रहा है। यहाँ पे दवाएं हैं। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आज हम मोरध्वज आश्रम आए हुए हैं, जो चित्रकूट में सिद्ध बाबा स्थान के जस्ट नीचे मोरध्वज आश्रम पड़ता है, जहाँ पे हनुमान दास जी महाराज जी रहते हैं और जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो दोस्तों जिस प्रकार की महाराज जी के पास सिद्धियाँ प्राप्त हैं, महाराज जी सिद्धियों के बल पे ही लोगों का इलाज करते हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ भी देते हैं। इसमें दोस्तों जो हम वीडियो बनाते हैं, इसमें हमारा पर्सनल कोई दावा नहीं है कि यहाँ पे सिद्धियों के द्वारा दवा दी जाती है और इलाज किया जाता है। ये जो दी जाती है और जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं, जो मरीज आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको आराम मिला कि नहीं मिला। वो जो बताते हैं उन्हीं के अनुभव के अनुसार हम आपको बताते हैं कि हाँ उनको आराम मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी एक बाबा जी बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कितना यहाँ पे आने के बाद आराम मिला कितना नहीं मिला। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं। तो कहाँ से आए बाबा जी आप? जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए? हाँ जी। तो आपको क्या समस्या थी? समस्या जो घर की समस्या थी वो आराम हो रहा है। यानी क्या समस्या थी आपको? अरे मतलब कुछ ऊपरी चक्कर था वो आराम हो रहा है। अच्छा अच्छा। जो दवा दुआ है वो देंगे महाराज। अच्छा, तो इससे पहले आप कहीं पे गए हैं? और पनलोखर गए थे एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको कोई आराम नहीं मिला? कोई नहीं आराम मिला। कितने दिन तक आप वहाँ पे परेशान थे? 40 दिन थे मैं। तो महाराज जी पड़ोखर आश्रम गए थे और बहुत दिन से परेशान थे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिला। आप यहाँ पे कितने दिन हुए आपको आए हुए? हम तो कल आए। कल आए हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। तो महाराज जी ने आपको दवा दी, कैसे क्या किया? दवा दिया मतलब देखे बाकी कुछ आराम है, हल्का फुल्का घर वाले को थोड़ा आराम है। अच्छा अच्छा। तो अब वहाँ जाने की अपेक्षा यहाँ पे आपको ज़्यादा आराम है? हम यहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको आराम मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे आराम है? हाँ। अच्छा। सरकार में गए थे वहाँ नहीं लगे आराम? पड़ोखर सरकार गए थे, उनको एक भी आराम नहीं मिला है ना बाबा जी? यहाँ आने के बाद बाबा जी को आराम है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बाबा जी खुद बता रहे हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामशरण। रामशरण जी हैं और इनको काफ़ी आराम है। और भी देखिए आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? पता नहीं, बुलाओ उनको। संत की सेवा तो है, सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल। बेचारे जंगल में पड़े, जंगल है ये देखिए चारों तरफ है। क्या जंगल आपके यहाँ? क्या पता इतना जंगल हो ही ना। नहीं, इनकी सेवा करेंगे तो और कौन करेगा? जी जी बिल्कुल। ये हमारा सब भाइयों का फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलत कह रहा मैं? नहीं नहीं आप बिल्कुल। लेकिन इनकी सेवा भाव सबसे पहले करनी चाहिए। सही। ये जंगल में पड़े घर बार त्याग करके सब। बताओ, ये टेंट रात में 9-10 बजे तक लगाया, रात घटा हो रही थी। हाँ। के भाई सब यहाँ से, नहीं तो बारिश में परेशान रहेंगे। सही। ये सिर्फ इन्होंने हमारे लिए तो करा, 1000-1200 रुपए की पन्नी मंगाई रात से। जी जी बिल्कुल। बोला जी, कहाँ से आए हैं आप दादाजी? हैं जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से प्रेस आया जी। दिल्ली से आए? आपके से ही? और दिल्ली के भी आगे से? हाँ। तो आपको इसी स्थान के बारे में पता कैसे चला ये बताइए। मैं वीडियो देखता रहूँ जी आपकी लगातार। अच्छा अच्छा। लास्ट की वीडियो मेरा ख्याल था वो आपकी, के बागेश्वर धाम को भी पीछे छोड़ गए हनुमान दास जी। अच्छा अच्छा, वही है ना सब तो लास्ट की। तो आपने वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं? हाँ, वीडियो देखूंगा परमानेंट सारी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी मेरे फोन में होगी वीडियो। तो आपको ये स्थान कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा जी। तो आप अकेले हैं कि आपके साथ भी कोई आया? ना, मैं तो अकेला ही हूँ। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? मैं कल ही आ जी, मेरा इलाज नहीं चालू करा, वैसे इन्होंने जो बीमारी है तुरंत बता दी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो महाराज जी ने आपके इलाज करने के लिए बोल दिए? हाँ बोल दिया जी कि सही हो जाएगा। हाँ, कहते 10 दिन में दवाई आराम कर देगी। अच्छा अच्छा। मेरा हर जगह जहाँ किसी ने मेरे को 2 महीने बताया ना, अभी ने भी डॉक्टर ने भी, जी जी, मैं उनकी साल 2 साल भी दवा खाई। एक तो बात हो जाए, दवा नहीं खाते फ्रिज नहीं करे, सब डाले फ्रिज करे, लेकिन जरा मरा सा आराम हो गया फिर वही हालत। जी जी। जरा मरा सा आराम हो गया फिर वही। तो इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए हैं दादाजी? बस संतों के पास, तो मैं इनके पास ही आ जी। इससे पहले संतों के पास नहीं गए? नहीं जी जी जी। अंग्रेजी दवाई करते थे? हाँ जी, अंग्रेजी या देसी किसी ने बताया जी।
या होम्योपैथी। नाम क्या है आपका? धर्मपाल जी। अच्छा, धर्मपाल जी। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी पुरानी इनकी बीमारी है, काफ़ी पुरानी हो गई ना? 15-16 साल हो गई। 15-16 साल काफ़ी लंबा समय होता है। हाँ जी। तो देखिए, महाराज जी ने इनका इलाज करने के लिए कह दिया है और कुछ आराम भी थोड़ी हल्का महसूस हो रहा है यहाँ पे आने। हाँ जी, वैसे यहाँ का कुछ प्रभाव ही ऐसा है, यहाँ आ गए आराम दिखाई देगा। जी जी जी, एक उम्मीद की किरण थोड़ी दिखाई देती है। हाँ जी, किसी समय मतलब चिंता नहीं रहती, बाद में दुख नहीं रहता, ये आदमी सही उसमें रहे। सही है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। सही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है। जी जी, कि अम्मा ठीक हो जाए। चलिए ठीक है, आपका ठीक हो जाए, हम भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपसे फिर मुलाकात होगी जब आप बिल्कुल तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, बार फिर से मुलाकात होगी। नंबर दे दिया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि दोस्तों देखिए, बाबा जी हैं जो महाराज जी के साथ ही रहते हैं, और कुलदीप सिंह नाम है ना बाबा जी? कुलदीप दास नाम है। तो बाबा जी ये बताइए, महाराज जी किस प्रकार की दवाएं देते हैं, किस प्रकार का? जड़ी बूटियों से और जैसे भूत प्रेत उपरी प्राय सभी की दवा और दया भी है। अच्छा, और इस प्रकार से मतलब इलाज करते हैं। तो बाबा जी यानी कुछ उनको सिद्धियां प्राप्त हैं जिसके जरिए वो इलाज करते हैं? हाँ, सिद्धियों से इलाज करते हैं। सिद्धियों से इलाज करते हैं और जड़ी बूटियाँ भी देते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ कितने पेशेंट आ चुके होंगे अभी? यहाँ कम से कम डेली के 15-20 तो आ ही जाते हैं। डेली को 15-20 पेशेंट यहाँ पे आ जाते हैं। उनके रहने खाने की व्यवस्था कैसे होती है? सभी यहीं होते हैं, सब यहीं पे रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, महाराज जी की कुटिया भी आप देख सकते हैं, कैसी कुटिया है। यहाँ पे वैसे कुछ व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब लोग आ जाते हैं तो महाराज जी अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं उनके रहने के लिए। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं हो पाती दोस्तों, व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पे जो रूखा सूखा है पाते हैं और यहीं पे पड़े रहते हैं। तो ये बताइए, जितने पेशेंट आते हैं तो उनको आराम मिलता है यहाँ पे? आराम मिलता है। अच्छा, तो खुश होकर जाते हैं सभी यहाँ से? खुश होकर जाते हैं। हाँ, खुश होकर जाते हैं। तो आपके यहाँ कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे अभी तक? बहुत दूर दूर से आते हैं, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, यानी काफी दूर दूर से लोग दूर से आते हैं। अच्छा, उनको यहाँ पे आराम मिल रहा है? आराम मिलता है, तभी आते हैं जाते हैं। तो ये बताइए लोगों को कि महाराज जी क्या किसी प्रकार का चढ़ावा कुछ पैसा? कोई पैसा किसी से कोई मांग नहीं है किसी प्रकार। अच्छा, तो जैसे बहुत से लोग महाराज जी के नाम से पैसा मांगते हैं, तो पैसा मांगते नहीं ना महाराज जी? हाँ जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लेते हैं, ना कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप दे सकते हैं। अगर महाराज जी के नाम से कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आप उसको पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि महाराज जी ऐसा कुछ नहीं करते ना कि ये भैया हमको पैसा दीजिए, हमको वो दीजिए। आप यहीं पे आके जो सेवा देना चाहे दे सकते हैं। और देखिए बाबा जी हैं अभी तो पेशेंट, अब कितने पेशेंट होंगे आज यहाँ पे? अभी 10 आदमी थे, कुछ चले गए, कुछ ये आपके सामने बैठे हुए। हाँ, बाबा जी तो यहीं पे बैठे हुए हैं। ये बैठे हैं, कुछ स्नान करने के लिए गए हुए, कुछ स्नान करने के लिए गए। वहाँ पर जाओ, देखिए दे दो इनको। बाबा जी हैं तो आप यहीं पे रहते हैं हमेशा? बोलो यहाँ पर, हम पहले आए थे तो आपको देखे हैं। यहीं थे तभी तो मैंने आपको बोला कि आप पहले भी आए, कौन से चैनल से? चलिए ठीक, जुगनू भी आता है और हाँ आते रहते हैं, और महात्मा जी भी आते हैं। जी, मैं देखते रहता हूँ। कहाँ से आए हैं? साहब मैं तो मथुरा से आया हूँ। अच्छा, आप मथुरा से आए हैं, तो ये बताइए आपको क्या समस्या थी? समस्या, मैं बहुत जोर से बीमार था, मेरी खाल जो उड़ती थी। खाल आपकी उड़ती थी मतलब? हाँ, कई बार उड़ गई, 100 बार उड़ गई। अच्छा अच्छा, एक साल हो गया। ये मतलब ये आपकी खाल ऐसे निकलती रहती थी? हाँ, निकलती रहती, फिर नहीं आई, फिर गई। अच्छा, तो ये हमेशा ऐसे ही होता रहता था? अच्छा अच्छा, तो इससे पहले आपने कहीं दवा करवाई इसकी? हाँ, करवाई हॉस्पिटल में, इलाज करा। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले और आप किसी साधु संत महात्माओं के पास गए? नहीं नहीं। तो आपको यहाँ का पता कैसे चला कि आप यहाँ पे आ गए चित्रकूट? फोन पर देखा था। अच्छा अच्छा, हाँ तो फोन से मालूम पड़ा। फोन पे आपने देखा था? हाँ। तब आप यहाँ पे आए। तो ये बताइए, आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? मैं 12 तारीख को आया था यहाँ पर। अच्छा अच्छा, और 12 तारीख से फिर मैं चला गया वहाँ चित्रकूट अनुसुईया मंदिर पर, रहा दो दिन। जी जी। फिर आ गया हूँ कल से। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, महात्मा जी ने आपको किसी प्रकार की दवा दी? दवा महाराज जी ने जो नेम बताया है। अच्छा अच्छा, अभी नेम मैंने किया नहीं है, घर जा करके करूँगा। हाँ, वैसे महाराज जी के आशीर्वाद से ही मुझे बहुत आराम है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद ही आराम मिल गया? हाँ जी, आने पर ही मुझे आराम मिल गया महाराज जी के आशीर्वाद से। जी जी,
महाराज जी ने बोल दिया सही हो जाओगे, उनकी कृपा से मुझे तो बहुत आराम है। किस प्रकार का आराम अभी आपको महसूस हो रहा है महाराज? भाई साहब ये हो रहा है, खाल कम उड़ रही है। अच्छा, पहली बात जी जी, मुझे 40% आराम है। 40% यानी खाली इस स्थान पे आने पे आपको? हाँ जी, खाल नहीं उड़ रही है मेरी, बहुत कम है। और चेहरा ऐसा हो जा, सूज जाता था, सूजन आ जाती, बहुत सूजन नहीं है चेहरा पर। जी जी, हाँ चेहरा पर सूजन नहीं। यानी आप काफी दिन से, यही आपकी बीमारी कितने साल की होगी? एक साल हो गई। एक साल से है ये समस्या आपको हो रही है? जी जी। तो महाराज जी ने आपको किस प्रकार का नियम बताया है? महाराज जी ने नेम बताया, मेरे को पर्चा में लिख के दिया है, वो नेम मतलब जी को वहाँ जा कर के करूँगा घर जाकर। अच्छा अच्छा। और किसी प्रकार की दवा, जड़ी बूटी? जड़ी बूटी भी लिखी हुई है उसमें। हाँ अच्छा, हाँ लिख दिया है महाराज जी ने, लिख के दे दिया मेरे को पर्चा। जी जी। तो ये बताइए, यहाँ पे आने पे आपको किसी तरह का पैसा देना पड़ा? अरे महाराज जी ने कुछ नहीं लिया था। जी जी। महाराज जी तो खाना और खिलाते हैं, जो कोई आ जाए सबके लिए खाना खाओ। जी जी। खाना खाओ, वो पैसा नहीं लेते हैं। वो जड़ी बूटी जो आती है पैसों से आती है, जो उसका लेते हैं बस, उन्हें किसी से पैसा नहीं दिया। जी जी। महाराज जी जड़ी बूटियाँ भी पेशेंटों से ही पिसवाते हैं, आपको पता है? हाँ महाराज जी, वैसे देखो अपनी दवा स्वयं बनानी पड़ती है। हाँ, किसी से पैसा नहीं दिया मैंने, और हमने एक भी पैसा नहीं दिया महाराज जी का। हम तो महाराज जी का खा और रहे हैं। जी जी भाई, 12 तारीख से अब तक खा रहे हैं महाराज जी का। 12 तारीख? 12 तारीख क्या है वो? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? मथुरा। अच्छा, नाम क्या है बाबा जी आपका? जल सिंह नाम है मेरा, जल सिंह। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप अकेले हैं कि आपके साथ? अकेले आए हैं। आपके साथ और कोई नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो देखिए, ये जल सिंह हैं, जल सिंह नाम है ना बाबा जी? हाँ, जल सिंह जी हैं। तो इनको बहुत बड़ी समस्या थी, इनकी खाल उड़ जाती थी, हमेशा निकलती रहती थी। तो यहाँ आने के बाद उनको काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। अभी महाराज जी ने इनको दवा दी है, तो उसको लेने के बाद परमानेंट के लिए सही हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों चलते हैं, अभी और भी यहाँ पे पेशेंट है, अभी उनसे भी जानकारी लेते हैं और उनको पूछते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे आने के बाद आराम मिला। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ व्यवस्थाएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है तो ऐसे में ही आके पेशेंट रहते हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप। दिलीप, तो आपको क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं, मेरा दिल ने कहा अच्छा बाबा के दर्शन करो, जो अच्छा। बाबा जो उनकी बातें है, बातें में तो कुछ मेरी सच्चाई है, जो बात कर रहे उनमें भी सच्चाई। जी जी। मतलब जो उन्होंने कहा मुझे सब भगवान के नियम से मुझे सब अच्छा लगा, मतलब ऐसे कुछ गलत बात है ही नहीं, जो कुछ है सच्चाई। तो आप इतनी दूर से खाली दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन कुट है, चित्रकूट बोला, चलो चित्रकूट भी दर्शन करेंगे, बाबा जी के भी दर्शन लेंगे। अच्छा अच्छा। जो कुछ है उनका मतलब। आप महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र। और कौन है आप? कितने दिन हो गए आपको? मैं परसों सवेरे गाड़ी से बैठा, रात को उतरा, लेकिन रात को आने रहा था, लेकिन रात को मेरे को आने का कुछ मिला ही नहीं, कुछ साधन नहीं था, साधन नहीं। फिर अपन उधर रुके, बाबा ने उधर आदमी एक बाबा के मिल गए, तो वो लोग ने उधर मेरे को रुकाया। फिर सवेरे नहा धो के ढूंढ 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 के अभी तक इधर पहुँचे। और कौन आया आपके साथ? दर्शन लिए। अभी फिलहाल तो मेरा लड़का और मैं आने वाला था, लेकिन अच्छा। मैं मेरे लड़का पहली बार आया हूँ। अगर अपने साधु संत अपने साथ में है, भगवान अपने साथ में है, जी जी, जाने की कोई डरने की कोई बात नहीं, बात है। पहला बार अकेला निकला हूँ, अपने इधर अकेला आया, अकेला वो अपने साथ में। तो आप यहाँ पे कितने दिन से हैं आश्रम? आज समझो आज कल से समझो, रात को आया कल, उतरा नादेव के सवेरे, अभी जी इधर आया, तो आज मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। अच्छा, कैसा लगा आपको? एकदम शांति लगी। अच्छा, उनके बातों में सच्चाई। जी जी। जो कुछ कहते सच्चाई। अच्छा, तो आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला? पता उनका मैं नाम सुना था। अच्छा अच्छा, तो नाम कैसे आप सुने थे? हाँ, कैसे नाम सुने थे आप? मतलब जो एक मार्गदर्शन करना चाहिए, मतलब भगवान के बारे में, कुलदेवता के बारे में। नहीं नहीं, जैसे आपको यहाँ महाराज जी रहते हैं हनुमान दास जी, आपको कैसे पता चला, किसने बताया? थोड़ा एक वीडियो देखा था मैंने। अच्छा, वीडियो देखो, वीडियो में मेरे को सच्चाई लगी। अच्छा अच्छा। जो कुछ करने के लिए जो चाहिए वो इंसान करना चाहिए। जी जी। जो नहीं करना चाहिए वो इंसान कर ले। जी सही बात। हाँ, पर एक दो बातों में अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कुछ फायदा नहीं। बिल्कुल। उनका बातों में कुछ
है और उनके उनके अंदर सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं अपन जो परमार्थिक है साधु संतान को जो पहचान सकता है वही मतलब कोई भी इंसान नहीं पहचान सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें वो सच्चाई है, मुझे सच्चाई लगी, इसके लिए उनके दर्शन लेने, उसके दर्शन से मुझे भी बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि मैं परमात्मा तो पहले से कर रहा हूँ, साधु संत है वो, उनके आशीर्वाद ठीक है, आए देर तक उनका दर्शन लिया मुझे अच्छा लगा। अगर दिल को मुझे शांति मिली तो उससे ज़्यादा कोई शांति नहीं है। जी जी सही कह रहे हैं। सही बात तो ये। तो अभी आप कितने दिन में यहाँ पे? मैं अभी चित्रकूट धाम में थोड़ा एक दिन दर्शन करूँगा। हाँ चलिए अब आप आते रहिएगा यहाँ पे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है, जो पीछे कुछ पेशेंट बैठे हुए हैं, तो अभी चलते हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। तो भैया जय सिया राम। बहुत दूरी बैठे हो छाया माँ। हवा लग रही थी। अच्छा अच्छा बैठ जाओ आप भी। तो ये बताइए आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? कल आए थे। कल आए हैं आप, तो किस प्रकार की समस्या थी आपको? समस्या तो जी देखो महाराज जी, यहाँ समस्या का मतलब ये है जी जी कि ये जंगली जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। जो अभी हमारे प्राकृतिक तत्वों में बहुत ऐसी चीज़ें दवाएं छुपी हुई हैं जिनके पास जानकारी लोगों के पास नहीं है, अब जिनके पास जानकारी है वो उसका इलाज करते हैं। तो यही है जी, बिल्कुल आयुर्वेदिक दवा महाराज जी देते हैं, खुद बनाते हैं और लोगों को लाभ होता है इससे। नहीं आपको समस्या क्या थी, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? समस्या थी तो हमारे तो महाराज जी ने इलाज किया, अभी दवा लाएंगे बनवाएंगे। क्या समस्या थी? समस्या थी पेट की समस्या थी। पेट की समस्या थी? कितने सालों से थी आपकी ये समस्या? समस्या तो काफ़ी मतलब थी पहले से, तो बैठ उसकी प्रॉब्लम थी, तो कुछ जड़ी बूटी लिखे हैं तो उसको लाएंगे बनवाएंगे। तो चार साल से थी कि और भी पुरानी? ऐसे ही थी। तो इससे पहले आप कहीं इलाज करवाए हैं? गैस का कौन सा अच्छा इलाज होता है? वो नहीं तो आदमी परेशान होता है तो इलाज डॉक्टरी में जाता है और भी कहीं इधर उधर भटकता रहता है, तो आप कहाँ कहाँ गए हैं? अब इलाज तो इसका देखो ऐसे अंग्रेजी दवा वा खाते रहे टेम्परेरी, मुझे लगा कि नहीं कुछ देना चाहिए तो यहाँ आए, तो इससे तो कुछ आराम मिला आपको? लाभ है। तो कितने दिन से दवा ले रहे हैं जड़ी बूटियों वाली? अभी तो बनवाएंगे, कल आए हैं लिखवाए हैं। अच्छा अच्छा, अभी दवा आपने ली नहीं? एक बार ले गए थे थोड़ा सैंपल में, तो उससे लाभ हुआ था, वो कुछ रफ वगैरह था पेड़ का, ऐसे छाल वोल कैसे क्या। अच्छा अच्छा, उससे कुछ लाभ हुआ था, दोबारा आए हम बोले ऐसा है कि बनवा। तो आप यहीं पे आश्रम पे ही रुके थे रात में? हाँ रात में रुके थे, जाने के बाद कल दवा नहीं पाई। कितने लोग आए हैं आप? दो लोग। अच्छा दो लोग आपके साथ ही? इनको भी कुछ समस्या? इनको भी कुछ समस्या थी क्या? नहीं साथ में। साथ में। नाम क्या भैया आपका? नागेंद्र। आपका नाम क्या है? राम भारत। कहाँ से आए आप? ऐसे तो मैं उधर कुछ आया हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला। अच्छा अच्छा। तो देखिए दोस्तों, भैया हैं और इनको पेट की समस्या थी, तो जो यहाँ पे आने के बाद थोड़ी आराम मिला है, एक बार दवा ले गए थे उससे काफ़ी आराम मिला, अभी महाराज जी दवा बनाएंगे तो परमानेंट के लिए आराम हो जाएगा। तो भाई साहब आपको ये स्थान कैसा लग रहा है? प्राकृतिक वातावरण है, सब नेचुरल है, हवा खुला हो, पहाड़ियों की घाटी में चारों तरफ हरियाली है। आप भी भाई सब कुछ बोलेंगे, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? चित्रकूट में पहली बार आए हैं, किससे पहले आ चुके हैं? एक बार आए थे हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। घूमने तो आपको इसी स्थान के बारे में कैसे पता चला, यहाँ के बारे में? पता जी ऐसे यूट्यूब पे देखा था। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे देख के आप यहाँ पे आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध बाबा का एक स्थान है और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं कुछ समस्या होती है तो इसी के परिक्रमा लगाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखिए यहाँ पे एक भाई साहब हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं सिद्ध बाबा की, ये देखिए। और यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है, इनको थोड़ी ऊपरी बाधा है और इसीलिए महाराज जी ने कहा कि आप सिद्ध बाबा की परिक्रमा लगाइए। और इसके चारों तरफ देखिए कितने घनघोर जंगल हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये देखिए।